प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नाइन में चैप्टर टू पॉपर और एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 कराए थे, इसमें अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए वहां निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा px = 3x + 1 और यहां x वैल्यू दिया है x = -1.3। अब हमें यह देखना है कि ये मान हमारे बहुपद का शून्यांक है या नहीं है। कैसे देखेंगे? जब हम ये मान इसमें लगाएंगे और ये मान अगर 0 हो जाता है तो शून्यांक इस बहुपद का शून्यांक है। अगर ये 0 नहीं होता है ये मान रखने पर तो बहुपद का ये शून्यांक नहीं है। कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे हम पी ब्रैकेट में एक्स के स्थान पर -1.3, यहां लगा देंगे एक्स के स्थान पर -1.3, ठीक है, =2। ये लगा दिया 3 × यहां भी एक्स के स्थान पर -1.3 लगा देंगे तो माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लेंगे और +1। देखो 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम, +(-) हो जाएगा, 1 × 1 हो गया, +1 = 0 हो गया। इसीलिए x = -1.3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। ऐसे नहीं आया, अगर ये 0 नहीं होता तो इसका बहुपद का शून्यांक नहीं होता। क्लियर हो गया? सेकंड है, सेकंड है px = 5/5x - π दिया है x = 4.5। मान लगाएंगे, ध्यान रखेंगे हम पी ब्रैकेट में 4/5, एक्स के स्थान पर जो मान दे रखा है वो हमने लिख दिया, पी एक्स लिखा है, एक्स का मान ये दे रखा है, हमने एक्स के स्थान पर ये मान लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसे लगाने में। 5 × 5x, 5x का मतलब होता है 5x = 5×x, ठीक है। तो 5 × x का मान ये है 4.5 - π, 5 से 5 कट जाए, 4 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 - π। अब ये तो बराबर 0 है नहीं, ≠ 0, 0 के बराबर नहीं है, लिख देंगे। इसीलिए x = 4.5 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है, ठीक है। x = 4.5 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है। क्लियर हो गया? कठिन नहीं है कुछ भी, बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड है हमारा px = x² - 1 दिया है x = 1 and -1। अब यहां हमें दोनों मान लगा के देखने हैं कि दोनों मान इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं है। तो एक बार तो हम 1 लगाएंगे प्लस का और दूसरी बार में माइनस का 1 लगाएंगे, -1 लगाएंगे, लिखेंगे x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर क्या लिखेंगे,
वन आ गया इक्वल टू, या वन आएंगे वन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया लिखेंगे। इसीलिए एक्स इक्वल टू वन पर एक्स इक्वल टू वन बहुपद का शून्यांक है, ये आंसर हो गया हमारा एक को। अब लेंगे माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन पुनः पुनः मीन्स द्वारा से एक्स इक्वल टू माइनस वन रखने पर क्या लगाएंगे पी ब्रैकेट में माइनस वन इक्वल टू, या माइनस वन लगा दिया क्या है माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, क्या बनाएंगे माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है माइनस वन इंटू माइनस वन। उससे वजह क्या कर देते हैं ऐसे करेंगे माइनस वन स्क्वायर माइनस वन, हमें ये एक्स इक्वल टू माइनस वन दे रखा है तो इसको हमें ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट माइनस लिखा और वन की पावर दो लगा दी, ये हो गया। मालूम है इसका मान क्या होगा, इसका मान तो ये होगा वन इंटू वन वन हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, ये हो जाएगा, जबकि इस तरह से लिखना गलत है। क्लियर हो गया, हमें ये माइनस को मान दे रखा है एक्स इक्वल टू, तो हमको एक्स के स्थान पर जहां भी लगाएंगे हम इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ठीक है। माइनस वन ब्रैकेट के अंदर बंद करो इसको और पावर टू लगाओ, क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन, क्लियर हो गया। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है वन हो जाएगा, क्या होगा यहाँ ये वन हो गया माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके लिए भी हमारा जीरो आ गया लिखेंगे, इसीलिए एक्स इक्वल टू माइनस वन बहुपद बहुपद का शून्यांक है, ये हमारा आंसर दूसरा हो गया। पहले का मतलब एक्स के दोनों मानों के लिए वन प्लस वन और माइनस वन दोनों के लिए हमारा ये बहुपद सॉरी एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन हमारे इस बहुपद के शून्यांक हैं, क्लियर हो गया। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, जो उम्मीद है समझ आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल भी कठिन नहीं है और मैं समझा उसी तरीके से रहा हूं कि तुमको कठिन न लगे। फोर्थ है हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू दिया है, क्या दिया है एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू, इसमें भी दो दिए हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू, यहां भी हमें दो दिए हैं, इसमें दोनों के लिए मान लगाना पड़ेगा। पहले हम लगाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए, पहले लगाएंगे हम एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन रखने पर क्या लिखेंगे पी माइनस वन लगा दिया ये वाला, या एक्स इक्वल माइनस वन लगा दिया इक्वल टू माइनस एक्स वन पहले लिखा है इसलिए यहां माइनस वन लगा दिया प्लस वन इंटू एक्स की जगह पर माइनस वन लगाया और माइनस के टू, ये क्या हो गया माइनस माइनस जीरो हो जाएगा ये दो और ये माइनस थ्री थ्री हो जाएगा। जीरो में हम किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई जीरो होता है या हमने लिखा जीरो, इसीलिए एक्स इक्वल टू माइनस वन बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। अब देखेंगे हम टू के लिए, इस टू के लिए एक्स इक्वल टू सेकेंड है या पुनः लिखो मतलब लिखो सेकेंड पुनः एक्स इक्वल टू टू रखने पर क्या हो जाएगा पी और ब्रैकेट में टू हो जाएगा, इसे लाएंगे क्या होगा टू प्लस वन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में टू माइनस टू, ये क्या हो जाएगा ये तो थ्री हो गया और यहाँ इंटू धन आएगा टू माइनस टू जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इसीलिए एक्स इक्वल टू टू कॉमन लगाएंगे बहुपद का शून्यांक है, क्लियर हो गया।
आगे हमारा क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दिया है हमें एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मान लगाएंगे, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर हम ऐसे भी सकते हैं बहुपद में एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर, ऐसे भी सकते हैं इसको चाहे ऐसे इसको सीधा सीधा एक्स बराबर जीरो रखने पर, या ऐसे लिख दो या बहुपद में एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर, कैसे भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं। मान लगाएंगे क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो लगा देंगे इक्वल टू जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, इसीलिए एक्स इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो को मान लगाएंगे बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा है। अब आगे पढ़े हमारा सिक्स, आगे हमारा सिक्स, सिक्स क्या है देखो, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम दिया है एक्स इक्वल टू माइनस के एम अपॉन एल, ये दिया है, लिखेंगे बहुपद में बहुपद में एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल रखने पर रखने पर क्या हो जाएगा, पी डायरेक्ट लगाएंगे एम अपॉन एल, हमने एल एक्स के सामने मान लगा दिया इक्वल टू, ये क्या है एल इंटू एक्स, एल एल इंटू एक्स का मान ये है माइनस के एम अपॉन एल प्लस एम, तो एल से कट जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एम प्लस एम इक्वल टू जीरो, देखेंगे इसीलिए एक्स इक्वल टू माइनस के एम अपॉन एल बहुपद का शून्यांक है, फिर हो गया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टेस्ट में सेवन, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेवन, सेवन क्या है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन जहां एक्स दिया है, दिया है एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री, ये हमें एक्स के मान दिया है जो पूछा है कि शून्यांक है या नहीं है, लिखेंगे बहुपद में एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखने पर क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू थ्री इंटू ब्रैकेट में माइनस साइन से ब्रैकेट लगे माइनस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है माइनस वन थ्री माइनस इंटू माइनस हो जाएगा इसको क्या करेंगे, माइनस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर को क्या करेंगे हम, माइनस वन अपॉन रूट थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ये हो जाएगा इस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा और वन इंटू वन वन हो जाएगा और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, क्या हो गया हमारा ये थ्री हमारा है ऊपर अपॉन थ्री हो गया ये माइनस वन, इसका मान हमने यहां से लगा दिया इससे कट जाएगा वन टाइम वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री बहुपद
का शून्यांक है। ठीक है, अब लिखेंगे द्वारा से पुनः क्या करेंगे, पुनः एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री रखने पर यही लिखेंगे, पुनः बहुपद में एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री रखने पर कैसे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा पी डब्ल्यू में रखेंगे टू अपॉन रूट थ्री इक्वल टू थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। देखो टू अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री, टू टू फोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम थ्री इंटू फोर अपॉन थ्री माइनस वन, जल्दी कट गया वन टाइम तो वन फोर या फोर माइनस वन इक्वल टू माइनस के सॉरी प्लस के थ्री हो जाएगा और ये बराबर नहीं हमारे जीरो के। ठीक है, थ्री जो हमारा जीरो के बराबर नहीं है, इसीलिए इसीलिए एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा एकदम से। अब आगे लास्ट टेस्ट में लास्ट है हमारा एक पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन दिया है एक्स इक्वल टू वन पॉइंट टू, एक्स इक्वल टू वन पॉइंट टू क्या लिखेंगे, बहुपद में एक्स इक्वल टू वन पॉइंट टू रखने पर क्या हो जाएगा पी वन अपॉन टू इक्वल टू यानी आएंगे टू इंटू वन अपॉन टू प्लस वन टू कट जाएगा वन टाइम तो वन प्लस वन इक्वल क्या होगा टू हो गया नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू ये जीरो के बराबर नहीं है, इसीलिए एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू बहुपद का शून्य नहीं है। शून्य कह दें शून्यांक कह दें दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे शून्य नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे।